फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हील बेयरिंग उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, उसमें जब क्या प्रॉब्लम आता है तो हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कितना खर्च आ जाता है। ये मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है, डीजल वेरिएंट में है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है, जब हम लोगों ने इसको ट्रायल किया अप्रॉक्स 70-80 किलोमीटर पर आर के स्पीड पे, इसमें वाइब्रेशन का पूरा आपको साउंड इसमें आपको अनुभव होगा। जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको फील होगा। जब आप इसको ऐसे रोटेट भी करोगे और जो अंदर शॉकर की स्प्रिंग लगी हुई है उस पर आप टच करोगे तो आपको क्लियरली वाइब्रेशन फील होगा। सबसे पहले हम इस व्हील को डिसअसेंबल करेंगे, उसके बाद जो इसमें ड्रम की असेंबली लगी हुई है, क्योंकि रियर में जो ये स्विफ्ट गाड़ी है इसमें रियर व्हील में ड्रम ब्रेक असेंबली लगी हुई है, तो हम उसको अभी चेक करेंगे, वहाँ से भी पता चल जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम ओपन हो चुका है, ये हमारा ड्रम ब्रेक असेंबली, ये आप देख सकते हैं 4 स्टड पे ये हमारी व्हील टाइट रहती है। इसको भी अभी हम प्रॉपर जब रोटेट करते हैं तो इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफर हो रहा है, क्योंकि इसकी जो बैरिंग है वो ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिसअसेंबल करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारी ड्रम खुल चुकी है और ये हमारा हब है, ये बैरिंग हब है। ये देखिए बिल्कुल हम जब इसके ऐसे घुमा रहे हैं प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे आके टाइट हो जाता है, इसमें बेयरिंग की प्रॉब्लम है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें बेयरिंग अलग से चेंज नहीं करना पड़ता है, ये हब के साथ ही बेयरिंग आती है। अब हमको जो बेयरिंग हब है उससे हम सबसे पहले खोलना है, फिर इसमें नया हब बेयरिंग फिट करना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है इसमें, अच्छा ABS का ये सेंसर वाला वायर इसमें से खोल लेंगे, है ना। ठीक है, ओपन कीजिए आप इसको। ये देखिए ABS का सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको डिसकनेक्ट कर लेंगे। ये जो मैं आपको पोर्शन दिखा रहा हूँ ये ब्रेक शू उस साइड लगी हुई, इस सेंसर को डिसकनेक्ट कर लिया। तो इसके लिए इसके पीछे 17 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, 4 पीछे क्या दिया हुआ, 17 नंबर का नंबर का ये 4 बोल्ट दिया हुआ है, ये 4 बोल्ट को लूज करना है पहले। अच्छा ठीक, इसको ये सबसे खोलने के लिए 4 बोल्ट को खोलना पड़ता है। देखिए आप लोगों में से किसी के पास अगर मारुति की गाड़ी है, अगर उसमें कभी भी व्हील बेयरिंग का ऐसा प्रॉब्लम आता है, या आप मैकेनिक हो या आप इस लाइन में हो, तो आप इस वीडियो से समझ सकते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम व्हील बेयरिंग को डिसअसेंबल कर सकते हैं और न्यू फिटमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यू जो हमारी बेयरिंग मतलब व्हील बेयरिंग हब है वो कैसी दिखती है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। ये हमारी न्यू व्हील बेयरिंग हब है, तो अभी हम पुराने वाले को डिसअसेंबल कर रहे हैं, उसके बाद ये फिटमेंट करेंगे। इसमें देख सकते हैं ये 4 स्टड के बोल्ट हैं जिसमें हमारी व्हील टाइट होती है। उसके बाद ये जो लगा हुआ ये ABS का सेंसर ही है ना, इसमें हमारा ABS का सेंसर कनेक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें से 4 जो बोल्ट लगे हुए थे वो प्रॉपर खुल चुका है। अब ये हमारा इजीली डिसअसेंबल हो जाएगा, देखिए कैसे। ये देखिए इस फ्रंट साइड है, इसको आप डायरेक्टली खींच लेते हो आ जाता है ना, कोई अच्छा क्योंकि ये पूरा हब ही है। ये आप देख सकते हो ये पुराना वाला जो हमारा हब है, देख रहे हो कितनी रस्टिंग आ गई है। इसकी वजह से आप चलोगे तो आपका क्या होगा, माइलेज में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंजन जितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से हमारा पावर लॉस इस बेयरिंग में होता है, जिसकी वजह से हमें माइलेज भी कम मिलता है और एबनॉर्मल नॉइज भी सुनाई पड़ता है। तो इसको आप जितना जल्दी चेंज करवा दीजिए उतना बढ़िया रहेगा। अब हम इसमें न्यू फिटमेंट करेंगे। अब देखिए नया वाला हो गया, लगाना ये ऊपर ABS सेंसर ऊपर क्लियर रहना चाहिए। क्या क्या रहना चाहिए, जैसे ABS सेंसर जिसमें लगेगा ये ऊपर क्लियर रहना चाहिए, इधर से दिखने के बाद। अच्छा अच्छा, सेंसर होगा। अच्छा ये वाले जो होल्स हैं ये अपर डायरेक्शन में होना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है उसमें जो होल्स दिख रहे थे वो अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम फिटमेंट कर दिए। इसमें अब
देखिए ये सेंटर हुआ आपका, ये बोल्ट नीचे की ओर है और ये ऊपर की ओर है। अच्छा, ये सेंटर हुआ मतलब इस पोजीशन में फिटेड होना चाहिए। अब फिर से हम चारों बोल्ट को टाइट कर देंगे, है ना जी। अभी हमने बोल्ट फंसा प्रॉपर टाइट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये चारों बोल्ट टाइट हो चुका है। उसके बाद जो ये हमारा हब था, ये फिटमेंट इसमें हो चुका है। अब हम फिर एज इट इज जो ABS की हमने वायरिंग खोल रखी थी उसको हम फिटमेंट करेंगे। ये देखिए हमने ABS की वायरिंग को फिटमेंट कर दिया है। अब हम इसमें फिर बोल्ट टाइट कर देंगे। अब ये हमारा पूरी तरीके से हमारा जो व्हील बेयरिंग था वो असेंबल हो गया है। हब के साथ जो इन व्हील आई थी वो हमारा पूरा असेंबल हो गया। ये हमारा फाइनल फिनिश हो गया। अब देख सकते हैं ये हमारा हब लग के कंप्लीट हो गया। ये अब हमें बिल्कुल स्मूथली कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये हम ये ड्रम फिटमेंट कर दिया गया है। इन सिस्टम में मैं अब एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि आपके दिमाग में ये क्वेरी होता होगा कि किन किन गाड़ियों में हमें जो बैरिंग आती है वो हब के साथ ही आती है और किन गाड़ियों में ओनली बैरिंग आती है। तो देखिए ये स्विफ्ट की गाड़ी है, जो आप इसका रियर फ्रेम देख रहे होंगे तो रियर फ्रेम का जो डिज़ाइनिंग दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ सॉकर पे है, फिर ये फ्रेम हमारा गया हुआ और ये फ्रेम हमारा अलग है, ये आप देख सकते हो। मतलब इस फ्रेम से हमारा इस व्हील में कोई कनेक्शन नहीं है। बट जिन गाड़ियों में बैरिंग के साथ आती है ओनली, जैसे अभी हमें प्रॉब्लम आ रही थी एक रियर व्हील में, तो हमने पूरा हब के साथ चेंज किया है। बहुत सी गाड़ियों में अगर प्रॉब्लम आ रही तो ओनली बैरिंग चेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको अभी दूसरी गाड़ी में दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मारुति की ऑल्टो गाड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो फ्रेम का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं ये हमारा रियर हब असेंबली है, ब्रेक शू रियर जो ड्रम ब्रेक असेंबली है। आप देख सकते हैं ये शाफ्ट जो हमारी बैरिंग फिट होती है इस शाफ्ट में फिट होती है। देखिए आप इसका डिज़ाइन देख पा रहे हैं, ये शाफ्ट है, इसी शाफ्ट के थ्रू ये हमारा जो रियर ट्यूब है ये गई हुई है और उस साइड जो हमारा ये राइट साइड का ड्रम असेंबली है उस साइड लेफ्ट साइड का है। तो इसमें इजीली हमारा क्या है कि इसी पे हम बेयरिंग माउंट कर देते हैं। और ये एक लाइट व्हीकल भी है। और एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि इसमें जो ABS लगा हुआ है, ABS की वायरिंग, इसमें तो खैर ABS है ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका जो ड्रम है ये देखिए इसकी ड्रम है, इसी ड्रम में हमारी ये बेयरिंग फिट होती है। फिर हम इसको एज इट इज़ ऐसा लगा देते हैं, ड्रम के साथ ही हमारी जो स्टड है वो ड्रम में ही इनबिल्ट होती है। बट जो हमारा हब के साथ जो अभी हमने रिप्लेस किया है वो कंप्लीट हब में ही ये स्टड आती है। तो ये डिफरेंस है। इसमें देखिए ट्यूब है इसीलिए हमें इजीली फिटेड हो जाता है, यहाँ पे बैरिंग हमारी फिटेड हो जाती है और हम इजीली लगा लेते हैं। इन गाड़ियों में बैरिंग चेंज करने में हमें कम खर्च आता है। इसकी बैरिंग हार्डली आपको 700 रुपये तक बैरिंग मिल जाएगी और इजीली आपका रिप्लेस हो जाएगा। बट जो जिसमें हब के साथ बैरिंग आती है उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये पर बैरिंग की पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली होता है सर्विस में। तो इस वीडियो में बस यहीं तक।